शहर की तस्वीर तो 2021 से ही बोला जा रहा है कि स्पेशल राज का दर्जा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। बाकी सारे ये नहीं है कि राजद है, बीजेपी है, सब पार्टी वही है। सब लोग केवल जुमले देते हैं और कोई भी जब वास्तविकता होती है काम करने का तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। जुमला है ये सब, कहाँ से 10 लाख रोजगार दे सकते हैं तेजस्वी यादव? ये सब जुमलाबाजी बाजी है। नीतीश कुमार ही सही हैं, ये तो खुद 9वीं फेल हैं, ये क्या रोजगार देंगे? बाबूजी चोरी में गए हैं जेल और ये दे रहे हैं रोजगार, जो भी इनके साथ है देखिए वो सिर्फ फायदा के लिए है, कोई अच्छा आदमी इनके साथ नहीं है। और अपने कास्ट को ये लोग बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ प्रयास करते हैं। बाबू जी आए थे तो उतना लूट के ले गए, 5000 करोड़ की संपत्ति हो गई इनके पास। दूध पहले इन लोग का खानदानी दूध दुहने का पैसा था, कोई खानदानी ही लोग रईस थे नहीं, इतना रईस कहाँ से हो गए? 5000 करोड़ कहाँ से लाए? पूछ देने पे जो होगा उनका समर्थक मारने दौड़ जाएगा कि आप कैसे पूछ बोल दिए ये बात। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी के पास है जहाँ पे हम कुछ छात्रों से ये जानेंगे कि तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि वो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे। अभी बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस साल विधानसभा चुनाव का वो है बेरोजगारी। तो ये ऐलान जो तेजस्वी यादव ने किया है ये सिर्फ जुमला है या सच में सच साबित होता है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं बिहार के युवाओं के पास। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभय राज हुआ। तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 10 लाख नौकरी देंगे वो युवाओं को, क्या लग रहा है जुमला है या सच में देंगे? ये पूरी से पूरी जुमला है, क्योंकि अभी बेरोजगारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हमारे भाइयों खड़े हैं। तो केवल वोट के नाम पे ये लोग जुमले करते रहते हैं और जब इनकी अगर सरकार बन भी जाती है तो ये लोग अपने जो वायदे किए हैं उस पर खड़ा नहीं उतरेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी है इस साल की, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, जो नए गठबंधन बन रहे हैं या टूट भी रहे हैं, तो अलग से भी अगर वो लोग एक पार्टी बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो जोर है वो रोजगार पर दिया जा रहा है। सर, तस्वीर बदलेगी बिहार की? बिहार की तस्वीर तो 2021 से ही बोला जा रहा है कि स्पेशल राज का दर्जा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। बाकी सारे ये नहीं है कि राजद है, बीजेपी है, सब पार्टी वही है। सब लोग केवल जुमले देते हैं और कोई भी जब वास्तविकता होती है काम करने का तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अभी आप कोरोना काल ही देख रहे हैं। कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक या हमारे यहाँ तक कि वार्ड कमिश्नर भी घर घर कोई पहुँचा सैनिटाइजर या फिर फेस मास्क लेके, मगर वोट आया है, इलेक्शन आया है तो सब लोग द्वार द्वार पहुँचेंगे कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो ये सब केवल जुमले ही रहते हैं। रोशन कुमार, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या कहना है? 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे तो उनके पास रहेगा तो वो अपने फंड से निकालेंगे, जहाँ से भी हो, जिस भी विधि से हो। कम से कम तो ये तो युवाओं को मनोबल दिए हैं कि कम से कम 10 लाख वैकेंसी का। और ये इंजीनियर रहते हुए नीतीश कुमार जी, हम लोग इंजीनियर बेरोजगार इंजीनियर रह रहे हैं अभी, तो हम क्या कह सकते हैं? वो 10 लाख वैकेंसी का तो आह्वान किए हैं तो कम से कम राहत कुछ मिला है कि हाँ देंगे, दे चाहना तो दूर की बात है, लेकिन तो कम से कम अभी राहत दिए हैं। अभी ये चुनाव का माहौल है तो सब अभी तो आह्वान करेंगे। तो नीतीश कुमार भी तो बोलते हैं कि इन लोग सिर्फ भड़का रहा है युवाओं को, हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करवाए और रोजगार भी खूब दिए, उसमें क्या बोले? क्या चीज़ तरक्की करवाए हैं? ये कुछ नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ खोले जा रहे हैं, कहीं पर कुछ टीचर नहीं कुछ है, सिर्फ खोले जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, नहीं टीचर है, नहीं लैब है, नहीं कुछ है। खोलने से नहीं होता, स्टूडेंट को पढ़ाई प्रायोरिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके बेरोजगार की तरह घूमते रहो, वैसा डिग्री लेके क्या फायदा? नीतीश कुमार खुद समझना चाहिए वो एक इंजीनियर, तो इंजीनियर बेरोजगार क्यों है? तेजस्वी यादव के ऐलान से आपको लगता है कि सच में रोजगार मिल जाएगा लोगों को? अभी मिले चाहे ना मिले, अभी आगे की रणनीति जो है मिलेगी, रोजगार आएगी। इस बार जो जब तक सत्ता पलटेगी नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सत्ता पलटना जरूरी है। 15 साल बहुत नीतीश कुमार कर लिए, लेकिन 10 साल तक कुछ किए, लेकिन 5 साल जो इधर लास्ट का वह सिर्फ खाने में लगे रहे। 24 साल मिला है, ये 1510 रुपया फिर किसी को क्यों? एक रात जनरल की वजह से नहीं, जनरल की वजह से नहीं, ये SC ST PC OBC को मिलता है, लेकिन वह क्यों? जब दे ही रहे हैं तो खुल के दे, मतलब 1500 रुपया क्यों देंगे वो? जब देना है तो सबको समान दे, एक राज है, एक तो सबको अनुमान है, इसीलिए सब अपना हक के लिए हम बात करते हैं। छात्रवृत्ति 1500 मिला, किसी को 29000 मिला है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वही ना कह रहे हैं नीतीश कुमार से, वही मांग कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, किसी जिले के पूरे खा गए हैं, किसी जिले में नहीं खा रहे हैं।
जहाँ के स्टूडेंट वहाँ ताकतवर है वहाँ से ले रहे हैं पूरे पूरे, नहीं तो खा जा रहे हैं। नीतीश सरकार जो है विफल रही है युवाओं को रोजगार देने में, रोजगार के लिए हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट की बैठक में, क्या लग रहा है जुमला है सच होगा? जुमला है ये सब, कहाँ से 10 लाख रोजगार दे सकते हैं तेजस्वी यादव, ये सब जुमलाबाजी है जी। चुनावी खेल है और क्या है, कुछ नहीं, विधानसभा इलेक्शन आया, डिंडोरा पिटना स्टार्ट हो गया सभी अपना अपना पार्टियों का। मतलब अब युवा आस लगाना छोड़ दे सरकार से? युवा कैसे आस लगाना छोड़ देगा सरकार से? तो मतलब आप नीतीश कुमार को विफली बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को बोल रहे कि जुमला ही कर रहा है, तो रोजगार कैसे मिलेगा यार? सरकार के पास जो जो वैकेंसी है वो आ ही रही है नीतीश कुमार के सरकार में, सरकार में आ रही है। हाँ जी आ ही रही है। नीतीश कुमार ही सही है, ये तो खुद 9वीं फेल है, यही क्या रोजगार देंगे? खुद अपना देखें, बाबूजी चोरी में गए हैं जेल और ये दे रहे हैं रोजगार, सिर्फ झूठ बोलने का इन लोग का है, परिवारवाद है, जो भी इनके साथ है देखिए वो सिर्फ फायदा के लिए है, कोई अच्छा आदमी इनके साथ नहीं है, और अपने कास्ट को ये लोग बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ प्रयास करते हैं दोनों के दोनों भाई। ऐसा आपको लगता है कि कहीं भी अच्छे से राज्य को चलाने के लिए या फिर युवाओं को नौकरी देने के लिए डिग्री ज़रूरी है? एकदम ज़रूरी है, नहीं रहेगा अगर आप पढ़ाई सही से कीजिएगा आपको जॉब मिलेगा, जॉब तो आ ही रही है, लेकिन यही है कि जो नहीं पढ़ा है उसको कहाँ से मिलेगी जॉब? मतलब आपको जुमलेबाजी लग रही है? किसके बारे में? तेजस्वी यादव जुमला का? बस वही है, सिर्फ चुनावी अपना जीतने के लिए ये सब बोल रहे हैं कि हम देंगे ये देंगे वो देंगे। बाबूजी आए थे तो उतना लूट के ले गए, 5,000 करोड़ की संपत्ति हो गई इनके पास। दूध पहले इन लोग का खानदानी दूध दुहने का पैसा था, कोई खानदानी ही लोग रईस थे नहीं, इतना रईस कहाँ से हो गए, 5,000 करोड़ कहाँ से लाए? पूछ देने पे जो होगा उनका समर्थक वो मारने दौड़ जाएगा कि आप कैसे बोल दिए ये बात। ये सब तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का, क्या लग रहा है देंगे? मोदी जी तो बहुत सारे बोल चुके हैं, तेजस्वी जी को बोलने से क्या हो जाएगा? मोदी जी तो बहुत कुछ बोल चुके हैं, तेजस्वी जी को बोलने से क्या हो जाएगा? सेंट्रल से ज़्यादा पैसा बिहार को है, फिर वही वाली बात है, अपना वोट ले रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, उससे हमको क्या लेना देना? वोट बैंक बनाने का एक तरीका है तो फिर अच्छा एक बात बताइए तो फिर बिहार की युवा किस पे भरोसा करेगा? युवा किस पे करेगा उससे कोई मतलब, युवा तो अपना काम करिए रहा, उससे सरकार क्या कर रही है? कुछ तो नहीं करती, युवाओं के लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है, जो करना है यहीं पे कर रही है। कोरोना खत्म ही हो गया ना मैम, यही है कोरोना। क्यों भीड़ क्यों है यहाँ पे? मोबाइल मिल रहा है, मोबाइल हम लोग जमा किए थे यहाँ पे। एग्जाम्स हो रहा था क्या? किस चीज़ का? PGDM का एग्जाम हो रहा था, उस मोबाइल सबमिट के लिए। कोरोना खत्म? कोरोना खत्म। आदर्श तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है जुमला है या सच में देंगे? इससे पहले भी तो उनके पिताजी का सरकार था तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं, अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो मतलब जब जब इलेक्शन आता है उस टाइम मतलब लोग बोलते हैं कि ये हम रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद सारे लोग भूल जाते हैं राजनीतिक पार्टी, तो देखा जाए अब क्या होता है। आपको भी लगता है जुमला है ये सब? जुमला ही है। तो आपने सुना पटना के युवाओं का कहना, वो कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है, कहाँ से देंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार, और जब भी इलेक्शन होता है तब सरकार ऐसे ही दावे करती है और बिहार की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। हालांकि अब ये कितना सच होता है कि युवाओं को रोजगार देंगे तेजस्वी यादव या नहीं देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस तरह की तमाम वीडियोज़ लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।